सो गाइस यहाँ पे बन रहा है वाजवान हमारा बहुत ही बढ़िया। What's up everybody, this is Sharik Bakshi and welcome to my YouTube channel guys। तो स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है, बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि आज हम घर पे बनाने वाले हैं वाजवान। तो मैं आपको दिखाऊंगा कश्मीरी वाजवान कैसे बनता है, कुछ उसके आइटम्स दिखाएंगे कैसे प्रिपेयर होते हैं, तो बहुत ही मजा आएगा और बाद में हम उसको टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते। तो यार चाय हो गई है तैयार, चाय पीते हैं आप पहले। सो गाइस जब तक बाहर वाजवान बन रहा है मैं चाय पीता हूं। रिंटू ने मस्त चाय बनाई है, बहुत बढ़िया। सो गाइस यहाँ पे बन रहा है वाजवान हमारा बहुत ही बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? बढ़िया, बहुत बहुत ही मस्त वाजवान बन रहा है यार, चिल्ला चिल्ला के घुस जाओ। सो गाइस यहाँ पे बन रहा है वाजवान हमारा बहुत ही बढ़िया। ये क्या बन रहा है सर, थोड़ा बताइए। रिश्ता, ओके। सो देख सकते हैं आप तीन चार वैरायटी बन रही है। सो गाइस यहाँ पे चिकन डीप फ्राई हो रहा है, इसके बाद ही इसमें मसाला डालेंगे एंड उसके बाद ही प्रिपेयर करेंगे पूरा। तो गाइस रिश्ते तैयार हो गए हैं और यहाँ पे लग रही है आग। कबाब के लिए कबाब बनेंगे आप, सीख कबाब बनाएंगे हम। और यहाँ पे चिकन तैयार हो चुका है और साथ में मीट है। सो गाइस रिश्ते तैयार हो चुके हैं एंड चिकन मटन भी रेडी है, अब हम कबाब बनाने वाले हैं। उसके लिए आग लगाइए एंड कबाब, सीख कबाब बनाएंगे मस्त। सो और भी दो तीन आइटम बनने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। क्या कर रहा है साजिद, क्या हुआ? टूट गया, यहाँ पे फंस रहा है ना, नीचे कॉर्नर पे फंस रहा है। सो गाइस यहाँ पे बन रहे हैं कबाब के लिए, तैयार हो रहा है मटेरियल, मस्त तैयार हो रही है, इसके कबाब बनेंगे अभी, सीख कबाब। तो ये दिख रहे हो कैसे लगते हैं कबाब,
भाई ये भी एक आर्ट है, इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये आ गया भाई। तो यार सीख में लग गए हैं कबाब और गर्मा गर्म तैयार हो रहे हैं। ये तो अभी से ही टेस्टी लग रहे हैं बहुत। सो गाइज यहाँ पे मेथी तैयार हो रही है। ओहो बहुत जबरदस्त लग रही है। सो गाइज पूरा वाजवान हो चुका है तैयार एंड फाइनल अब कबाब ही बचे हुए हैं जो बन रहे हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो कंप्लीट वाजवान तैयार हो चुका है, 5-6 आइटम्स रखे हैं इसमें, तो सब रेडी है ऑलमोस्ट, बस फाइनल टच दे रहे हैं एंड दैट्स इट, तो डन हो जाएगा अभी। गाइज यहाँ पे देख रहे हो आप बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है अभी भी, कल बहुत बर्फ़ पड़ रही थी तो अभी भी कम्प्लीटली मतलब मेल्ट नहीं हुई है, बहुत जमा है अभी बर्फ़। ये तो फिर भी यहाँ गाड़ियाँ चल रही है तो उस वजह से थोड़ी उठ गई है, बट साइड साइड पर काफ़ी बर्फ़ अभी जमा है। हे गाइस, तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी अच्छा दिन था एंड मैंने आपको ये भी दिखाया कि कश्मीरी वाजवान कैसे बनता है और हमने बहुत सारी टेस्टी डिशेस बनाई। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कश्मीरी वाजवान में क्या ज़्यादा पसंद है एंड उसके बगैर अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ बताइए कि आप क्या ट्राई करना चाहते हैं। बाकी आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।